Assalamu alaikum friends, this is Sardar Ali Electronics and I am engineer Jan Ali. तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू एपिसोड जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उस डिवाइस के बारे में जो आपकी होम अप्लायंसेस के प्रोडक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर। अक्सर दोस्तों को ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि उनके वोल्टेज स्टेबल नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनके होम अप्लायंसेस को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर आपकी होम अप्लायंसेस को एनी फ्लक्चुएशन के केस में खुदकार तरीके से अप्लायंसेस को ऑफ करा देता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चले दोस्तों अब हम लोग ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर की डिवाइस की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये किस तरह की डिवाइस होती है और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये 2500 वाट के लोड या फिर 16 एम्पीयर के लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं बॉयन कंपनी का वोल्टेज प्रोटेक्टर है, B2188 मॉडल है और इसके 3-पिन शू, इसमें कोई भी अप्लायंस प्लग इन कर सकते हैं, जबकि इसका 2-पिन शू है जो हम किसी भी सॉकेट में यूज़ कर सकते हैं। चलें इसके इंडिकेटर्स को अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें 3 किस्म के इंडिकेटर हैं जबकि 1 पावर ऑन ऑफ का बटन है। 3 किस्म के इंडिकेटर में फर्स्ट वन जो लेफ्ट साइड से है वो प्रोटेक्शन है, रेड कलर की लाइट इंडिकेट कर रही है, जबकि येलो कलर की लाइट इंडिकेट कर रही है प्रोटेक्शन टाइम, जबकि ग्रीन कलर की लाइट इंडिकेट कर रही है कि नॉर्मल ऑपरेशन स्टेटस। जबकि दोस्तों जब भी आपके वोल्टेजेस 175 से 260 वोल्ट के दरमियान हो तो ये नॉर्मल पोजीशन पे वर्कआउट करेगा। अगर आपके वोल्टेजेस 175 से लो या 260 से अप चले जाते हैं तो ये प्रोटेक्शन मोड एक्टिव कर लेगा और वोल्टेजेस की रिकवरी की सूरत में दोबारा पी टाइम पे चला जाएगा और 4 to 5 मिनट्स आपके वोल्टेजेस को ऑब्जर्व करेगा। स्टेबिलिटी के केस में आप दोबारा इसके नॉर्मल मोड पर शिफ्ट हो जाएंगे। आफ्टर डिले ऑटोमेटिकली ऑन करा देगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी चेक करते हैं कि ये डिवाइस किस तरह काम करती है और किस तरह आपके अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों ये मैनुअल बेस वोल्टेज रेगुलेटर है ताकि हम लोग एज अ ऑपरेटर्स यूज़ करके अपने ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके ताकि ये किस तरह काम करता है। तो चलें दोस्तों इसको हम लोग ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं 182 वोल्ट पे, तो इसको मैनुअल बेस पर इसको हम लोग वोल्टेजेस को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और इसे हम 230 वोल्ट पर लेके जाते हैं और इसके बाद अपने ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर को इसमें प्लग इन करते हैं और इसको चेक करते हैं कि किस तरह वर्कआउट करता है। जैसे ही हम लोग इसको प्लग इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी येलो लाइट इंडिकेट कर रही है प्रोटेक्शन टाइम को। 4 to 5 मिनट्स के डिले के बाद अगर वोल्टेज स्टेबल रहे तो ये अप्लायंस को ऑन करा देगी। हम चेकिंग पर्पस पे हैं तो इसको हम ऑन कर देते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये अब नॉर्मल मोड पर जा चुका है और हम अब इसको मज़ीद ऊपर टॉप की नॉब से इसके वोल्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज करेंगे और ताकि हम इसके स्टेटस को ऑब्जर्व कर सकें कि ये किस तरह हमारी डिवाइस की प्रोटेक्शन करता है। दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हम लोग 170 से डाउन गए तो ये प्रोटेक्शन मोड एक्टिव हो चुका है। रेड लाइट इंडिकेट कर रही है कि ये प्रोटेक्शन मोड पर इसने अप्लायंस को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ करा दिया है। दोस्तों अब हम लोग दोबारा अपने वोल्टेजेस को इंक्रीज करते हैं और इसका स्टेटस ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने इंक्रीज़ किया तो ये दोबारा येलो लाइट इंडिकेट कर रही है कि प्रोटेक्शन टाइम मोड पे चला गया है।
दोस्तों पी टाइम के दौरान ये 4 to 5 मिनट्स इसको ऑब्ज़र्व करेगा कि हमारा वोल्टेजेस रेंज जो है वो 175 से 260 के दरमियान है। जैसे ही ये वोल्टेजेस स्टेबल रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी अप्लाइंस को टर्न ऑन कर देगी और आपको मैनुअल तरीके से दोबारा डिवाइस को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है ये डिवाइस और बहुत ज़बरदस्त और रिलायबल डिवाइस है दोस्तों। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर आप अपने तमाम सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस के साथ, स्पेशली एलईडी टीवी और रेफ्रिजरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बॉइन कंपनी का ये वोल्टेज प्रोटेक्टर पाकिस्तान के किसी भी शहर में चाहिए हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। लाइक एंड शेयर तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।